एक मिनट दोबारा। यस सर, मेरा नाम रवि सिंह है और जीए सेक्शन थोड़ा मुश्किल था सर, बाकी तो सही था, ठीक था। इंग्लिश कैसा आया था? इंग्लिश ठीक था सर, करने लायक था। डिसीजन मेकिंग डी आई ठीक था सर, डेटा इंटरप्रिटेशन ना मतलब करने वाला सर, बाकी सारी चीजें छोड़ के जीए की अगर रुकेगी तो किसी की सेक्शन रुकेगी, बाकी तो कहीं नहीं रुकेगा। और क्वांट कैसा आया था? क्वांट ड्यूएबल था सर, दो डीआई तो सिंपल थी, दो एक थी वो क्या बोलते हैं टाइम एंड उसकी पाइप एंड सिस्टम वाली थी। बाकी तो ठीक था। नाम क्या था? रोहन। पेपर कैसा आया था? पेपर क्वांट बहुत टफ था। अच्छा, बहुत कैलकुलेटर था, बहुत ज़्यादा, कोई उम्मीद नहीं थी, सिंप्लीफिकेशन वगैरह इनइक्वालिटी कुछ नहीं। अच्छा, इंग्लिश में तो आपको मतलब बहुत एक नया भी देखने का मिला था कि वर्ड चेंज करने के लिए, वर्ड इंटरचेंज, फिर उसके बाद भी उनका कोई और मीनिंग होगा। ओके, इस तरीके से। रितेश कुमार मेहता, सो द एग्जाम वाज मॉडरेट, स्पेशली द रीजनिंग सेक्शन वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट द अदर सेक्शंस वर क्वाइट ड्यूरेबल। सो इंग्लिश का सेक्शन आराम से इजी आया था, ड्यूरेबल था, उसके अलावा डीआई आराम से कर सकते थे आप। तो जो सेक्शंस का ओवरऑल रहा है वो मॉडरेट रहा है। क्वांट, क्वांट में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे? क्वांट का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे? क्वांट में क्वांट के तीन तो डीआई से थे, बाकी क्वेश्चंस जनरली वन और टू वन मार्क्स के जो होते हैं, जैसे कि टाइम एंड स्टडी का हो गया, वर्क एंड टाइम का हो गया, स्पीड का हो गया, तो वो सेक्शन जो अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शंस हो गए। जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस में कहाँ से आए थे क्वेश्चन? जनरल अवेयरनेस जो लास्ट की दिसंबर है वो टारगेट मतलब दिसंबर का रहा था, जो लास्ट के दो नवंबर और दिसंबर का महीना था वो बहुत पूछे गए हैं। इसके अलावा सितंबर के भी कुछ क्वेश्चंस थे, बट मतलब तीन चार क्वेश्चंस को छोड़ के ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। डिस्क्रिप्टिव में कौन सा टॉपिक आया था? डिस्क्रिप्टिव में एक लेटर था बैंक मैनेजर को, जैसे कि पासबुक के लिए अपने स्टेटमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो। उसके अलावा ऐसे राइटिंग में मॉडर्न टेक्नोलॉजी था कि कैसे इम्पेक्ट कर रही है लाइफ को, मतलब ईजी बना दिया है क्या बना उस तरीके। मेरा नाम मोहित कैनन, आज IBPS PO मेंस का पेपर था और कहते हैं GS सही आई थी और कहते हैं DI थोड़ी टफ आई थी मेरे हिसाब से, बाकी रीजनिंग DI थोड़ी लेंदी थी और रीजनिंग ठीक ठाक थी, इंग्लिश बहुत इजी थी और डिस्क्रिप्टिव बहुत ही इजी टॉपिक था, कि जैसे एक था कि इसमें लेटर लिखना था, फॉर्मल लेटर था और वो लिखना था न्यूज़ सर्वर के एडिटर को हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स की रिस्टोरेशन और मेंटेनेंस। और एक था जो जिसपे ऐसे लिखना था, उसे ऐसे में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट बताई थी और इसके बारे में बताया था कि क्या पे क्वांट में कहाँ कहाँ से आए थे क्वेश्चन। इससे क्वांट में कहाँ कहाँ से आए थे? क्वांट में जैसे डीआई के एक दो तीन पार्ट थे, एक पैराग्राफ आया था, एक पाया आया था और एक आया था जिसमें मिसिंग वैल्यूज होती हैं वो डालने वाले, नहीं वो दो आई थी, तो टोटल चार डीआई थे, बाकी सारे अरिथमेटिक थे और स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू ऐसे कंक्लूजन वाली थी। इंग्लिश में कोई नई चीज़ आई थी इस बार? इंग्लिश में हाँ नई चीज़ थी कि उसमें क्वेश्चंस जो थे वो रादर देन कि नॉर्मल एरर डिटेक्शन थे, उसकी जगह उन्होंने डायरेक्ट स्टेटमेंट्स थी, उसका कहते हैं कुछ में ऐसा था कि ऐड करने हैं और कुछ में ऐसा था कि मतलब डिफरेंट था बेसिकली, ऐसा दिखा नहीं कभी। थैंक यू। And besides this, there was pie chart, there was bar chart, and the question based on puzzle or arithmetic puzzle. Or general awareness, banking awareness, में कहाँ से आया था question? The question was basically related with the economics, mostly from banking sector and from stock market itself. Mostly the current affair was of December 2021. Okay. English में ऐसे topic कहाँ से आया था? ऐसे का? ऐसे topic. ऐसे लेटर, descriptive.
everything has three choices. In letter one was related with that you have to write a request to manager regarding bank statement, and other option was for the modern technology is a boon or bane. This was essay topic, and the second topic for letter was write a letter to a newspaper editor regarding some problem in your society. नाम पवन पुनवाल है, और पेपर के बारे में ये था कि इंग्लिश आसान आई थी और जीके मोस्टली दिसंबर से आई थी, लेकिन टफ आई थी, एक भी सवाल सीधा नहीं था। और रीजनिंग और मैथ्स लगभग वैसे ही जैसे हर साल आते हैं, रीजनिंग में थोड़ा मुश्किल है और एक दो सवाल आसान, मैथ्स में थोड़ा बहुत सारा मुश्किल और एक दो सवाल आसान। में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे? बट में डी आई आई थी और लाइन ग्राफ आया था, पाई चार्ट आया था, इसके अलावा पार्टनरशिप के बहुत सारे क्वेश्चन थे इस बार। एसए का टॉपिक क्या था? है एसए का टॉपिक, एसए का टॉपिक था, तीन चार टॉपिक में मैंने किया था, मॉडर्नाइजेशन का एक, टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का इफेक्ट इलेबोरेट करने का, और लेटर में था कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखना है हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स के ऊपर कि एडिटर को लिखना है। और जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन कहाँ से आया था? दिसंबर से मोस्टली थे और सारे घुमाए हुए थे। टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक को टॉपिक थे नमस्ते यूके नाम से क्वेश्चन था, कौन से बैंक ने लॉन्च किया है, और इसके अलावा हेल्थ इंडेक्स जो थी उसमें टॉप 5 स्टेट में से कौन सा स्टेट नहीं है, और भी काफ़ी सारे थे। अब दोबारा बताइए। मेरा नाम ऋषभ कुमार। पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि ये इकोनॉमिक में करंट अफेयर्स कुछ ज़्यादा ही था और रीजनिंग में थोड़ा टफ था, रीजनिंग में वेरिएबल्स बहुत सारे थे। इंग्लिश बाकी इंग्लिश को थोड़ा मॉडरेट लेवल लगा और ये पॉइंट का भी थोड़ा मॉडरेट था। जीए में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा? क्या क्वेश्चन कहाँ कहाँ से? जीए में जनरल अवेयर, जीए में तो बैंक इकोनॉमिक्स बहुत सारा था, ये बैंकिंग से रिलेटेड मतलब रैंकिंग पूछा था बैंक का। एक क्वेश्चन था कि बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का रैंकिंग क्या था लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक में, और बहुत सारा सीबीयूबी का नया नया रूल्स रेगुलेशन चेंज हुआ उसके बारे में कुछ कुछ क्वेश्चन थे। माई नेम इज प्रांजल। I attempted IBPS PO mains paper. The paper was moderate difficulty, and the reasoning paper, the reasoning section I found it to be a bit tough. Quant was easy, English was very doable, GA was on a tougher side, and descriptive was very usual as well. Any specific question from GA? Specific questions on GA, there were more questions on financial awareness, and there were questions from the month of December. Like they were mentioned in the question that as of December 2021, what if, whatever.